या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 373। 1996, वाइज इन नागपुर जमात खाना इन इंडिया। सतगुरु कह रहे उगिया तेने जाइए अने वारो भोजन जमिया तिनाज सिया वखान रे भाई आज तिना सिया वखान मौला नाज़िर इमाम कसल वर्पुरम अमिनो अल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद अल मोहम्मद की शमस ने और की सलाहुद्दीन माँ बाप ने दोनों ने श्लोका लिखे हैं, यानी कि इस तरह सतगुर कहरे शुरू होता है। की शमस के जो मोटो श्लोक हुआ उसके 240 पाठ हैं, की सदरुद्दीन के नानो श्लोक हुआ है उसके 120 पाठ हैं। ये फरमाते हैं कि तुमने कल खाना खाया और आज तुम उसकी तारीफ करो, और आज जो खाना खाया है उसका तुम जिक्र ना करो। इसमें कंपेयर करने की बात नहीं है, मगर बात यह है कि जो आज बन रहा है उसकी याद करो। शुरू करते हैं कि जो सूरज उगा है तो उस दिन तुम्हें क्या करना है उसके पीछे चलो। कल जो गुजर गया है उसमें से अच्छा लेसन लो, मगर अपना काम एक्टिविटीज आज के रोज होनी चाहिए। 6 बज गए हैं, आज का दिन खत्म हुआ, 25 तारीख आधी रात को पूरी हो जाएगी। कल 26वां दिन होगा, 26 तारीख नवंबर की। तो कल हमें क्या करना है, या कल सुबह उठ के हम सोचें कि आज 25 तारीख खत्म होकर 26 शुरू हो गई, आज मुझे क्या करना है। यह ख्याल इंसान को आना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन इस पाठ के अंदर एक और थीम है, और वो यह है कि जिस इमाम का वारा हो उसकी ताबेदारी करो, क्योंकि वो इमाम हाजर जौमे का धनी है। जिस बादशाह की हुकूमत होती है उसका फरमान चलता है। इसी तरह से इंसान का जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट जीवन के हिसाब से उसको काम काज करना चाहिए, ताकि उसे ये पता लगे कि उसकी ड्यूटी क्या है। मिसाल के तौर पे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अगर कोई ऐसा फरमान किया है कि आज हजर इमाम उसके खिलाफ कोई फरमान करते हैं, तो हमें हजर इमाम का फरमान मानना चाहिए। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान उस जमाने के अंदर ठीक था, मगर हर फरमान मौला चेंज नहीं करता। जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। मिसाल के तौर पे दुआ पढ़ना, जमात खाने जाना, दस्तूर देना, इबादत करना, नेक अमाल करना, आपस में मोहब्बत से रहना, किसी का हक नहीं खाना, किसी के ऊपर गुस्सा क्रोध नहीं करना, ये तमाम बेसिक प्रिंसिपल और टीचिंग्स हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। मौलाना सुल्तान शाह फरमाया कि तुम किसी के ऊपर गलबा मत करो, यानी खामखा किसी के ऊपर तुम क्रोध करो, गुस्सा ना करो। आज हजर इमाम ने हमको नहीं कहा कि तुम गुस्सा करो। जो बेसिक प्रिंसिपल्स की बातें हैं वो चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है,
زمانے کی رفتار دیکھ کے ہمارا مولا جو ہمارا دین اور دنیا دونوں میں مالک ہے، ہمیں دنیا کی بھی ہدایت کرتا ہے، دین کی بھی ہدایت کرتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہم کو ہماری صحت اور تندرستی کے لیے بھی فرمان کرتا ہے۔ شیعہ مذہب کے حساب سے امام جو ہے وہ دین و دنیا کی ہر بابت کے متعلق ہمارا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا، اے نبی کہو ان عربوں کو، جب تک یہ لوگ تمہیں اپنا حاکم کے طور پہ نہیں مانتے تب تک ان کا ایمان درست نہیں۔ حاکم کے طور پہ ماننا ایک جگہ، نبی کے طور پہ مانا، اب اللہ کہتا ہے حاکم کے طور پہ مانو۔ حاکم کہتے ہیں رولر کو، راجہ کو، بادشاہ کو، وہ جو حکم کرے ہمیں وہ حکم ماننا ہی چاہیے۔ تو اس کے اندر جو پھر ماں باپ نے فرمایا ہے کہ اگیا تین دھیائی ہیں، حضر جومے کا جو مالک ہے اس کی تابے داری کرو۔ اور کل ہم نے کھانا کھایا، آج اس کا کیا وخان کرنا، ہو چکا ہو چکا، اب یہ دیکھو کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو مولانا حضر امام کی تابے داری ہمارے مذہب کا سب سے بڑا اصول ہے۔ اگر کوئی مجھے پوچھے تو اسماعیلی مذہب کیا ہے تو میں اس کو ایک سینٹنس میں جواب دوں گا، حضر امام کی تابے داری کرنا اسماعیلی مذہب ہے۔ اس میں سب چیزیں آ گئیں، ہر شے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے تمام فرائض جتنے ہیں وہ سب حضر امام کے فرمان کے اندر آ گئے۔ اگر امام نے کوئی فرمان کیا کہ یہ کام مت کرو، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ امام کے بہت سے فرامین کے اندر دنیا بھی ہے، دین بھی ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ دین کے فرمان مانے اور دنیا کے فرمان کے لیے ہمیں ہماری مرضی پہ چلنا چاہیے۔ اسماعیلی مذہب میں یہ جائز نہیں ہے۔ اسماعیلی مذہب کے اندر دنیا بھی ہے، دین بھی ہے۔ 1972 کے اندر یوگانڈا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، ایدی امین نے جو ادھر خامخا کا بادشاہ راجہ بن بیٹھا، اس نے آرڈر نکالا تمام ایشینز 3 مہینے کے اندر نکل جاؤ۔ بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ ہم اسماعیلیوں کو بھی جانے کے لیے امام نے اشارہ کر دیا، چلو ہم لوگ نکل گئے۔ اس زمانے کے اندر ایک آدمی نے مولا کے حضور میں عرض کری کہ خداوند، میں کراچی جاتا ہوں اور میرا کینیڈا کا بھی ویزا آ گئی ہے، تو خداوند میں کیا کروں، کراچی میں میری بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، بہت پیسہ ہے، ایسا تیسا، ویزا آ گئی۔ حضرت امام فرمایا، کراچی کی بابت بند کرو، تمہیں ویزا آ گئی ہے کینیڈا کی، کینیڈا جاؤ۔ اب اس کو یہ جواب اچھا نہ لگا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مولا اس کو کہے کہ تم کینیڈا جاؤ۔ بھئی تم مولا کے پاس گئے کیوں؟ اگر اپنی مرضی سے چلنا ہے تو امام کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس تیسری دفعہ مولا کو عرض کی کہ خدا، کراچی میں میری وسعت انویسٹمنٹ وغیرہ بہت ہے۔ فرمایا، گو ٹو کینیڈا، چلا گیا۔ لیکن کینیڈا نہیں گیا، کیا ہوا، ایک برس کے اندر خواب سیاہ ہو گیا، جہاں بھی انویسٹمنٹ کی پیسے برباد ہو گئے، جہاں بھی کوئی بزنس لیا دغا فریب ہو گیا، کنگال بن گیا۔ اب وہ پھر کینیڈا آیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اسماعیلی طریقے میں، چونکہ ہم لوگ شیعہ ہیں دینداروں، شیعہ اور سنی کا ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ سنی ہیں وہ امامت کو نہیں مانتے، اور ہم شیعہ ہیں ہم امامت کو مانتے ہیں۔ اسناشری شیعہ ہیں، بورے شیعہ ہیں، اور بھی بہت سی قسم کے شیعہ ہیں، دروز بھی شیعہ ہیں۔ تو ہم لوگ شیعہ جو ہیں امامت کو مانتے ہیں، اور ہمارا
امامت کے متعلق جو عقیدہ اور ایمان ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ اللہ کا نور ہے اس لیے یہ جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اس کے کہنے کے اندر جو فائدہ ہے یا وہ جو کچھ بھی کہتا اور کرتا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے. بہت دفعہ امام کو کچھ پوچھتے ہیں تو پھر امام کی مرضی کے حساب سے ہمیں عمل کرنا چاہیے. ایک جگہ مولا آئے, عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے, دودھ پیتے بچوں کو لے کے چھانٹا بیعت اور نام لینے کی روایت ہو رہی تھی. چلتے چلتے مولانا حضرت امام نے ایک عورت کے بچے کو ایک نام دیا. اب وہ جو عورت تھی وہ بھائی جوان تھی, پڑھی لکھی تھی, ایکسٹرا ماڈرن تھی. اس کو یہ حسن, حسین, ابراہیم, کریم, رحیم ایسے نام اس کو ایسا لگتے تھے کہ یہ اولڈ پیٹرن کے نام ہے. اور آج کل کے نئے نام کہ جن کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا, اگر نام رکھنا ہے تو گھر پہ رکھ لے. مولانا حضرت امام کے پاس آئی, صاحب مجھے نام چاہیے. مکھی نے لسٹ میں نام پڑھا. مولا پوچھا تیرا نام کیا ہے کہ یہ, اس کے لڑکے کے باپ کا نام کیا ہے کہ یہ. تو مولا نے اس کو نام امین دیا, اپنے بھائی کا نام. تو چپ ہو گئی, کہتی خداوند گیو می سم ماڈرن نیم. ماں باپ غصے ہو گئے, اب تیرے کو ماڈرن نیم کون سا, تیرے کو اگر اپنی مرضی سے نام چاہیے تو رکھ لے, مولا کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے. مولا نے منہ پھرا لیا, چلے جاؤ. حضرت امام کے پاس اگر ہم جائیں, میں تو کہتا ہوں کبھی بھی اپنا دکھ ظاہر بانے مولا کے پاس مت رو. میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربات میں سے کہ جو میں نے ہزاروں آدمیوں کو امام کے حضور میں بھی دیکھا ہے, اگر دکھ آ گیا لڑ لو اپنے دکھ سے, عبادت کرو, تسبیحاں نکالو, جماعت خانے کے اندر دعائیں مانگو, مہمانی لے کے آؤ, اپنی روحانی طاقت کے ذریعے سے اپنے دکھ کا سامنا کرو, لڑ لو. مولا کے پاس مت جاؤ. اگر جانا ہی ہے تو ایک بات یاد رکھنا, مولا کہے کہ زہر کھا لو تو کھا لینا, مولا کہے کہ یہ کام کر رہا ہوں تو اسی وقت کرنا, چاہے ہم کو ظاہر میں بہت برا لگتا ہوئے لیکن اس میں بھلائی ہے. وہ بہتر جانتا ہے اور اس کے سامنے کبھی آرگیومنٹ نہیں کرنا, یا مولا ایسا نہیں ایسا ہے. تنزانیہ کے اندر ہماری ایک بہت بڑی کمپنی ہے, کونگلومیرات ہے, ان کا موٹر کا بزنس ہے, ایسوزو کمپنی کے وہ لوگ ایجنٹ ہیں. میرے مولا نے ان کو بہت دیا اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری اسماعیلی قوم کے اندر ایسی بڑی بڑی کمپنیاں بھی ہیں, اور بڑے جاپان میں, کینیڈا میں اور بہت سی جگہوں میں ان کی ہے. اب میں بات کرتا ہوں 1960 کی. ان کو اس وقت ایسوزو کمپنی نے ایجنٹ بنایا. ایجنٹ بنایا تو ایسوزو کمپنی نے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نکالی. اب جو ان کو ایجنسی ملی تو یہ لوگ مولا کے حضور میں گئے. جو بڑا ڈائریکٹر تھا سب باتیں رکھی. حضرت امام نے فرمایا ڈونٹ گو ان ٹو اسمال کارس بٹ گو فار ٹرکس, لائٹ ٹرکس. مومن شخص ہے بلے خدا میں. انہوں نے ان کے ساتھ کچھ بھی کیا, چھوٹی گاڑیاں نہیں لیں. وہ لوگ ذرا بگڑے بھی مگر ان کو افریقہ میں پاؤں رکھنا تھا. اس کمپنی کو نئی کمپنی تھی تو انہوں نے بھی کڑوا گھونٹ پی لیا اور ان کو لائٹ ٹرکس دیے, گاڑیاں نہیں دی. ابھی ہوا کیا کہ ایسوزو کی بگننگ کی گاڑیاں فیل ہو گئیں. ٹرکس اچھے تھے, اس میں انہوں نے خوب پیسہ کمایا لیکن گاڑیوں میں انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا, مولا نے منع کیا تھا. تین چار برس کے بعد پھر کہیں مہمانی انہوں نے رکھی تو ماں باپ سامنے اس کو پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا تم نے گاڑیاں لیں.
कहते नहीं खुदावंद आपने मना किया हम कैसे ले। माँ बाप बहुत खुश हुए क्योंकि फरमान बरदारी की बात थी ना। माँ बाप फरमाया नाउ यू कैन गो फॉर स्मॉल कार्स ऑल्सो। दो तीन वर्ष के बाद इम्प्रूवमेंट हो गई, फिर गाड़ियां भी ली, ट्रक्स भी लिए। मौला का बहुत करम और उसके ऊपर रहम है। अब देखो मुझे कहना क्या था कि हजरत इमाम तो एक रूहानी लीडर है, माँ बाप ने तो कभी ट्रक्स का और मोटरों का बिजनेस नहीं किया, लेकिन इसको सब कुछ पता है। ट्रक्स का भी पता है, घोड़ों का भी पता है, गधों का भी पता है, ऊंट का भी पता है, कोई चीज इससे छुपी हुई नहीं है। मोशी के अंदर औरतें खोड़ा भरा रही थी और अपने बच्चों का नाम ले रही थी। मौलाना हजरत इमाम नाम पूछे, बच्चे का नाम दे। अभी डिलीवरी में टाइम है, किसी को दो महीने, किसी को चार महीने। क्यों हजरत इमाम आया शहर में तो चलो मौला के हुजूर में गोद भी भरा लेने, बच्चे का नाम ले लेने। अगर लड़का होवे तो ये रखना, लड़की होवे तो ये रखना। एक औरत आई, माँ बाप उसको देखते रहे, सब कहते हैं मैं तेरे को अभी नाम नहीं देता, जब बच्चा आ जावे तो तुम लिख के अर्जी मुखी को देना, मैं तुम्हें नाम भेजूंगा। अभी सबको नाम देता है, क्या तकलीफ है इसको नाम देने में, क्या तकलीफ है? लेकिन धनी जानता है, बेहतर जानता है। उसने कहा खुदावंद अभी नाम दो। माँ बाप ने उसके सिर पे हाथ रखे प्यार से, देखो जब भी डिलीवरी आवे मेरे को खबर करना, मैं नाम भेजूंगा। रो पड़ी। माँ बाप ने फिर कहा मैं तेरे को अभी नाम नहीं देना चाहता, चला चली गई। मौला ने नाम नहीं दिया। डेढ़ महीने के बाद जब भी डिलीवरी आई तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। देखा इमाम को सब मालूम है, उस वक्त इमाम नाम दे रहे, किसका नाम दे रहे, मरे हुए का? इमाम जो जानता है, दीनदारों मौला मुर्तजाली फरमाते हैं कि हजार बरस के बाद किस मां के पेट से कौन मोमन जीव पैदा होगा वो मुझे पता है। इमाम को मालूम है सब कुछ, और इसलिए हमें अपने इस हजर इमाम से लाभ लेना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। इसकी फरमान बरदारी में हमारा भला ही भला है, दुनिया का भी, दीन का भी, दुनिया का भी, दीन का भी, क्योंकि वो बेहतर जानता है। वो जो जानता है कोई नहीं जानता, और उसके ऊपर यकीन करो। मैं फिर आपको रिपीट करके कहता हूं कि दुखों तकलीफों के अंदर जाहिर बाने हाजिर इमाम को मत सताओ, अपनी इबादत बंदगी करके अपने दुख से लड़ लो। लेकिन अगर जाना ही है तो एक बात याद रखना, जो मौला कहे उस पर अमल होना चाहिए, उसी वक्त होना चाहिए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन नहीं। जितना जल्दी उस पर अमल होगा मौला इतना राजी होगा, और वो सब कुछ जानता है। हमारा इमाम नूर खुदा है, हम खुश नसीब हैं मौला नाज़र इमाम की ताबेदारी में हैं। अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाओ मोमिनों, अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाओ, दुनिया में भी आगे बढ़ो, दीन में भी आगे बढ़ो। हमारा मजहब जो है सूफी तरीका है, लेकिन हम सूफियों की तरह दुनिया छोड़ के जंगलों में जाके या दुनिया छोड़ के अपने आखिरत ही का ख्याल करें और दुनिया में आगे न बढ़े तो हमारे मौला को ये नहीं चाहिए। हमारा मौला चाहता है दुनिया में भी जिस तरह हमारा राज था नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, और उसके बाद 71 बरस तक आलमुत में हमारा राज था, तकरीबन 300 बरस हमारे इमामों ने राज किया। इमाम ने राज क्या किया, हमारे जितने भी इमामों ने राज किया, मौलाना मेहदी अलैहिस्सलाम से लेके इमाम रुकनुद्दीन खोरशाह तक जितने इमामों ने राज किया वो ऑटोक्रेट नहीं थे, वो खुद अपनी सल्तनत नहीं चलाते थे,
मौला तो एक फिगर हेड की तरह बैठे थे और राज चलाने वाले उसके मिनिस्टर्स थे, इस्माइली थे। इमाम कभी उसमें दखल नहीं दिए, दौरवानी देते थे, हिदायत देते थे, ऐसा करना ऐसा नहीं करना। दुनिया और दीन दोनों में इमाम का काम यह है कि वो हमको हिदायत करे। जैसा जैसा जमाना आता है तैसा तैसा इमाम हमको फरमान करता है। जब ये युगांडा में तकलीफ हुई, उसके 6 महीने पहले हजर इमाम कंपाला में थे। कंपाला के जमात खाने के अंदर आके मौलाना हजर इमाम ने बहुत से इशारे किए। एक इशारा ये था कि तुम अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो। फिर साहब हंस के कहते हैं, तुम मेरा मतलब समझे? अंडे क्या है? तुम्हारी मिल्कत भी अंडे हैं, तुम्हारी औलाद भी अंडे हैं, सब अंडे एक बास्केट में मत रखो। अगर कुछ तकलीफ पड़ जाए तो एक बास्केट टूट गई तो बाकी दूसरी तो है। मौलाना हजर इमाम ने माइक के ऊपर हाथ रख दिया। मैं इधर नीचे बैठा हूं, माँ बाप ने इशारा किया कि देखो मेरा ये फरमान समझने और इस फरमान पे अमल करने के लिए तुम्हारे पास 6 महीने हैं। ये धनी क्या नहीं जानता, हजर इमाम कभी भी किसी भी हालत में खुले लफ्ज नहीं कहेगा, नहीं तो जमातों का नुकसान होता है। जब मौलाना हजर इमाम चले गए तो पीछे के जो लोग थे वो गुशाए मुखी के पास, मुखी साहब हजर इमाम ने ऐसा हाथ रख के क्या कहा? मुखी साहब मुझे कहते हैं, मिशनरी साहब आप उस जमात को ठंडा करो। मैंने जमात को कहा, देखो इमाम ने क्यों हाथ रखा? क्योंकि वो सबको नहीं सुनाना चाहता था, इसलिए ना। सारे फरमान सुना रहा है लेकिन कुछ चीज उसको चाहिए था कि सब लोग ना सुने। और फिर ऐसा भी है कि नीचे तक आवाज जाती है, हो सकता है कि कोई ऐसा भी आदमी हो कि जिसको ये चीज ना सुननी चाहिए, नहीं तो मौला को हाथ रखने की जरूरत क्या थी और उसको किसी की परवाह भी नहीं। इसके लिए आप चुप रहो, सुकून से रहो, मैं आवाज पूरी कर लूं तो आप मुझे मिलना, आना मेरे पास, मैं आपको कहूंगा कि क्या मतलब है इसका। आवाज पूरी करके बैठा, कितने ही लोग मेरे इर्द गिर्द हुए। मैंने कहा हजर इमाम फरमाया है कि तुम सब अंडे एक बास्केट में मत रखो, तुम्हारी मिल्कत है वो भी अंडे हैं क्योंकि तुमने उनको जनरेट किया है, तुम्हारी औलाद है। और इमाम कहते हैं कि मेरे फरमान पे तुम अमल करो, ढील मत करो, क्योंकि अगर तुम आज नहीं करोगे तो 6 महीने के बाद करोगे तो शायद इतना फायदा नहीं होगा। मैंने एग्जैक्ट बात उनको नहीं बताई क्योंकि डेलिकेट क्वेश्चन था। फिर भी कुछ लोग जिनको कहने जैसी बात थी उनको समझाया गया। हमारे मौला ने बहुत दफा कहा है, मैं आज आपको एक और बात बताऊं। 1954 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार की प्लेटिनम जुबली हुई थी, फरवरी महीने की 20 तारीख को, और वो कहां हुई? कैरो में। माता सलामत आए और सारी दुनिया के खासतौर पे अफ्रीका के जो लीडर्स थे, प्रेसिडेंट्स वगैरह, वो उधर गए थे। बहुत ज्यादा आदमी नहीं थे, 350-400 जितने लोग थे। मौला ने अपनी प्लेटिनम जुबली कराची में की थी और इसी तरह से वहां की थी। प्लेटिनम जुबली जब हो गई तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने, लीडर्स वगैरह जा रहे थे अपने अपने घरों को, तो जो सबसे बड़ा सारी अफ्रीका के अंदर जो टॉप लीडर था हमारा, उसका नाम था काउंट अब्दुल्ला आशंगांग जी, गुजर गए हैं मौला की रहमत में बहुत। साहब ने उसको एक तालिका दिया,
मौला ने साइन की, उसको हाथ से तालिका दिया। मौला फरमाया, अब्दुल्ला ये तालिका सर्कुलेट नहीं करना। आमीन खुदावर। देखो यहां से तुम अफ्रीका जाओ तो पहला स्टॉप तुम्हारा एंटेबे होगा। एंटेबे एयरपोर्ट है कंपाला की, युगांडा का। मौला फरमाया कि जो बड़े बड़े शहर हैं, तुम खुद जाके जमात में खड़े होके मेरा ये तालिका पढ़ना, मगर ये तालिका सर्कुलेट नहीं करना। सबसे पहले कंपाला आए, कंपाला से मसाका गए। मैं सारी लिस्ट नहीं बोलूंगा, बड़े बड़े शहर की बात करता हूं। नैरोबी गए, मोम्बासा गए, ज़ंज़िबार गए, दार एस सलाम आए। और जब इन्होंने ये तालिका पढ़ा, मेरे तो हजारों ख्यालात मेरे दिमाग में आ गए कि इस तालिके में क्या क्या चीजें छुपाई हुई हैं मौला ने। घटपट पीने के लिए उठे, साथ उठे, तो मैंने कहा काउंट साहब तालिका लाओ तो मैं जरा वापस पढ़ना चाहता हूं। काउंट ने मुझे तालिका दिया, लोगों ने उसको घेर लिया। मैं एक जगह बैठ के तालिका पढ़ा और फिर कागज निकाल के तो मैंने उसकी कॉपी की, जो कि मैंने नहीं कहा था कि कॉपी करूंगा, ना उन्होंने मुझे मना किया कि कॉपी नहीं करना। सर्कुलेट करने की बात थी कि जमातों के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल तमाम जमातों के अंदर जो सर्कुलेशन भेजते हैं, इसकी मनाही थी। मैंने बहुत दफा वो तालिका पढ़ा। 20 बरस के बाद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 54 में यह तालिका भेजा, लेकिन 20 बरस के बाद 75 में मैंने उसकी 3-4 कॉपियां बनाई और बस अच्छे दोस्तों को भेजी। इमाम पहले दुआ शीश देते हैं। मौला फरमाया, मेरे रूहानी बच्चों, तुम्हारे अंदर वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, मैं उनका थोड़ा ध्यान खींचना चाहता हूं कि अभी हालत ऐसी है कि दुनिया में मंदी गहरी हो रही है। 54 से सच पूछो तो अभी तक मंदी पूरी तरह निकली नहीं, इस बात को 40 बरस हो गए हैं। मौला फरमाया, मंदी बढ़ेगी और मंदी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर अगर तुम होशियार नहीं रहोगे, दूरंदेशी से काम नहीं लोगे, तो तुम्हें ख्याल अभी नहीं आएगा लेकिन उस वक्त बड़ा नुकसान होगा। मैं तुम्हारा रूहानी माँ और बाप हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया भी बेहतरी भी चाहता हूँ। इसलिए जो बिजनेसमैन हैं, उनको कभी नवा ऑर्डर देना किसी चीज का तो सोच समझ के देना, क्योंकि कीमतें गिर रही हैं। ऐसा न करना ओवर स्टॉक हो जाओ, महंगे भाव से ली हुई चीजें सस्ते भाव से बेचनी पड़े तो शायद कभी कैपिटल धोई जाए। किस तरह एक बाप की तरह मौला समझा रहे हैं। फिर मौला इसमें एक एग्जांपल देते हैं। सा फरमाया, इस बरस कॉटन का पाक बहुत ज्यादा हुआ है, सारी दुनिया में कॉटन बहुत पैदा हुई है, तो बहुत कॉटन होने की वजह से ग्लट हो गया है। मतलब कि कॉटन ग्लट हो गया तो कॉटन का भाव गिर जाएगा, और कॉटन ज्यादा होने की वजह से कि जो आर्टिफिशियल फैब्रिक है, जैसे कि ये टिरेलिन है, प्लास्टिक फैब्रिक्स हैं, इनकी कीमत भी गिर जाएगी। तो वो लोग के जो बिजनेस के अंदर, यानी कि कपड़े के बिजनेस में हैं, उनको बहुत होशियार नहीं है, अपनी जरूरत जितना ही ऑर्डर देना। ऐसा साहब ने बिजनेस की बात की। फिर साहब नीचे उतरे, सब फरमाया, मेरे रूहानी बच्चों, अगर तुम अपनी आमदनी में से सब खर्च कर लो और हर महीने नया ही तुम अपने खर्च के लिए नई आमदनी ही के ऊपर ऊपर रहो, मिसाल की अगर तुमको 100 शिलिंग की आमदनी है तो 100 का 100 खर्च कर डालो या 105 खर्च कर डालो इस उम्मीद से कि नेक्स्ट महीने भर देंगे, तो मामा फरमाया ये पॉलिसी तुम्हारी अच्छी नहीं। जो कुछ भी तुम कमाओ उसमें जरूर कुछ बचाओ। सब शुरू करते हैं,
अगर तुम्हारी आमदनी बहुत है तो 50% अपनी आमदनी को सेव करो, अगर तुम 50% सेव नहीं कर सकते तो 25% करो, अगर 25% नहीं कर सकते तो 10% करो, अगर 10% नहीं कर सकते तो 5% करो, 5% भी नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ जरूर बचाओ। इसके ऊपर बाद में तो बहुत वाजे हुई और सारे जमात के अंदर एक कोमोशन हुआ, यहां तक के जो बच्चे थे ना उन्होंने भी जो उनको पॉकेट खर्च मिला करता था उसके अंदर 2-4 शिलिंग हर महीने हर वीक में बचाया करते थे और एक स्पेशल हमारे बच्चों के लिए डायमंड जुबली ट्रस्ट के अंदर एक स्पेशल अकाउंट डिपार्टमेंट खोला गया बच्चों की सेविंग के लिए कि जो 20 शिलिंग के कम सेव करते होंगे। सारी जमात के अंदर सेविंग की एक लहर दौड़ गई और हमारे लोगों ने बहुत पैसे जमा किए। तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहजादार फरमाया कुछ न कुछ जरूर बचाना। मौला कहते हैं अभी सुनो जो भेद की बात थी, मौला कहते हैं अभी सुनो जो भेद की बात थी, मौला कहते हैं राज कायम करने के लिए दो चीजें चाहिए, आर्मी चाहिए और पैसा चाहिए, दारू गोला चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, बंदूकें चाहिए, आर्मी चाहिए, तनख्वाहें देनी है, आर्मी चाहिए और उसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। साहब लिखते हैं तुम पैसा इकट्ठा करो, ये जो दूसरी चीज है आर्मी उसका बंदोबस्त मैं करूंगा। 1954 का ये तालिका आज भी मेरी आंखों के सामने है और मैं देख रहा हूं फ्यूचर के अंदर कि इसका क्या अंजाम होने वाला है। तुम पैसा बचाओ, मालदार बनो ताकि ये पैसा जमात को काम आ सके। दूसरी चीज क्या बदोमस मैं करूंगा, आप लोग इधर इंडिया के अंदर रुपया इकट्ठा करो, $1 के नोट के सामने आपके 35 रुपए हैं, क्या काम आएंगे? पाकिस्तान वाले पैसे इकट्ठे करें, एक अमेरिकन डॉलर के सामने 30-32 रुपए हैं, क्या काम आएंगे? कितने चाहिए? अरे दीनदारों कल क्या होने वाला है इस धनी को पता है, इसने ऐसे सब तरीके से हमको तैयार किया, अफ्रीका वालों को तैयार किया, 50 वर्ष से मौला हमें तैयार कर रहा है। पहले तो हसन अली शाह महबाब ने यहां से इन भिखारियों को उधर भेजा जो हमारे बाप दादा थे भिखारी के तौर पे, अरे उनके पास पैसे नहीं थे कि अंगीठी के अंदर कोयले या लकड़ी लेके रोटी पका सके, तो हमारी औरतें हमारी बाइयां हमारी माएं गाय भैंस का गोबर सुखा के जला के रोटी पकाती थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। और हसन अली शाह महबाब ने कहा जाओ अफ्रीका जाओ क्योंकि हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो इतनी बहुत बड़ी आबादी को उठाने की ताकत नहीं हिंदुस्तान की जमीन के अंदर, हर रोज हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त का जो ट्रेंड है आइंदा भी 10-20-30 बरस हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं, लेकिन खाने पीने की तकलीफें हो सकती हैं। मौला ने निकाल दिया कच्छ में से, कच्छ अवार्ड में से, जाओ अफ्रीका, अफ्रीका जाके छोटी छोटी दुकानें की आबाद हुए, 75 बरस 100 बरस हुए अफ्रीका के अंदर जमात इतनी आबाद हुई, घरों घर मोटरें हुई, घरों घर मौला शाह सुल्तान मोहम्मद शाह 37 में जब गोल्डन जुबली बनाने के लिए दारुसलाम में आए, गोल्डन जुबली नैरोबी में हुई और डायमंड जुबली दारुसलाम में हुई, 37 में मौला दारुसलाम उतरे तो मौला के लिए लाल रंग की एक गाड़ी थी जो ओपन थी, वो गाड़ी आज अगर हो गए तो मैं भी उसमें ना बैठूं, लेकिन क्या करें किसी इस्माइली के पास गाड़ी नहीं थी। मौला जब ही बैठने लगे
तो सब पूछते हैं कि ये गाड़ी किसकी है, तो नाम दिया वो मेहता सो एंड सो। बाबा फरमाया मेरे किसी बच्चे के पास गाड़ी नहीं, कहते खुदावन वो लाल रंग की गाड़ी है लेकिन आपके बैठने के लायक नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की है ना। हाँ सब है तो इसमें जी की, मैं उसमें बैठूंगा। वो अच्छी बड़ी गाड़ी में मौला नहीं बैठे, अपने रूहानी बच्चे की मामूली सी गाड़ी में साथ बैठे। जब जमात खाने में गए, मंडप में आए, खूब दुआएं दी। मौला फरमाया जब मैं दूसरी दफा आऊंगा तो घरों घर गाड़ियां होंगी और घर घर बंगले होंगे, क्योंकि जिस बंगले में सुल्तान मोहम्मद शाह को उतारा गया आज भी दारुसलाम में मौजूद है, वो बार्कलेस बैंक के मैनेजर का बंगला उसमें रहता था। उसको हमने इंफ्लुएंस किया कि तू थोड़े दिन के लिए बंगला खाली करके चला जा, हमने नवा फर्नीचर डाला, मौला उसमें उतरे। लेकिन मौला को ये लगा दिल में कि मेरे किसी रूहानी बच्चे का बंगला नहीं, और अच्छी होटल थी नहीं उस वक्त। 37 में दुआ दे के गया। अब जब 45 में डायमंड जुबली के लिए मौला आए तो घरों घर बंगले थे, घरों घर मोटरें थी 8 बरस के अंदर। और मौला अपने किसी अच्छे रूहानी बच्चे के बंगले में ठहरा। उसके बाद हमेशा मौला उसी बंगले में काउंट कासिम सुंदर जी का बंगला समुन्द्र के किनारे पे खूबसूरत, उसमें मौला उतरे। 8 बरस में जमात में कितना फर्क पड़ गया, कपड़े बदल गए, शक्लें बदल गई, रहना कहना बदल गया, और इमाम की दौर बनी रही। तो तुम अपने इंग्लिश यूरोपियन ढंग के कपड़े पहनो, छुरी कांटे सिखाओ, घर के अंदर तुम्हारा रहना सहना ऐसा ही होना चाहिए। ये तैयारियां हो रही थी कनाडा भेजने के लिए। 37 से तैयारियां शुरू की, और जब 72 के अंदर जमात को इधर से उठा के कनाडा में डाला, तो किसी भी स्कूल के अंदर बच्चे को लेके जाने वो सर्टिफिकेट दे फ्रॉम अफ्रीका, ओके कम ऑन, उसकी एग्जामिनेशन नहीं ले रहे, टेस्ट नहीं ले रहे बच्चे की, और उस बच्चे को उसी ग्रेड में रखे कि जिस ग्रेड में वो अफ्रीका से आया है। सारी दुनिया में से इवन इंक्लूडिंग यूरोपियन, उधर से कोई लोग आते थे तो यूरोपियंस लोग हैं इंग्लिश नहीं जानते सिवाय इंग्लैंड के, तो उन लोगों के बच्चों को एक या दो ग्रेड नीचे रखे, हमारे बच्चे ऊपर रहते थे। इंडिया पाकिस्तान के जो लोग आते थे उनके बच्चे एक दो ग्रेड नीचे रहते थे। मोमिनों, मैंने आपको कहा कि वो बात जो तालीके में है कि तुम पैसे इकट्ठे करो, वो दूसरी चीज मैं बंदोबस्त करूंगा। तो अभी इंडिया की जमात में ये ताकत नहीं है। 35 रुपए का एक डॉलर हो सकता है 40 रुपए भी हो जाने, पाकिस्तान में ये ताकत नहीं, आज अफ्रीका में ये ताकत नहीं, जो कि अभी अफ्रीका के अंदर सारे अफ्रीका के अंदर जहां 75,000 इस्माइली थे आज 10,000 भी नहीं है। तो आज उनका भी हाल ऐसा है कि तंजानिया के 600 शिलिंग एक डॉलर में है, केनिया के लगभग 70-80 शिलिंग का एक डॉलर है। तो ये तो कुछ ना हुआ, मौला को जो काम करना है तो नहीं हो सकता। लेकिन आज 1,00,000 इस्माइली की जमात, 1,00,000 नहीं है, 5,000-7,000 कम है, मगर इंशाल्लाह सन 2000 तक नॉर्थ अमेरिका में यानी कनाडा और अमेरिका में 1,00,000 की जमात बनेगी। आज सारी दुनिया के अंदर इकोनॉमिकली देखो तो डॉलर एक स्ट्रांग चीज है। कैनेडियन डॉलर 22-23 सेंट कम है, कभी 24 सेंट 25 सेंट हो जाता है, लेकिन कैनेडियन डॉलर हार्ड करेंसी है। हमको 25 बरस हुए हैं कनाडा में, इन 25 बरस के अंदर जमात आस्ते 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 बढ़ती गई। थोड़े महीने पहले जमात के कुछ लीडर्स बैठे आपस में, यूं ही कॉफी पीते थे, बातें करते थे। पाकिस्तान की हॉस्पिटल के लिए, पाकिस्तान की हॉस्पिटल की लाइब्रेरी के लिए,
पाकिस्तान की आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए, हजर इमाम के रूरल प्रोग्राम के लिए, हजर इमाम के और दूसरे प्रोग्राम हैं। यह इन 25 वर्ष में 152 मिलियन डॉलर जमात ने दिए हैं और प्लेज किए हैं, 152 मिलियन डॉलर, 15 करोड़ डॉलर। आपके रुपए कितने हुए? वो रुपए, आपके रुपए उधर काम नहीं आ सकते, मगर ये जो हजर इमाम ने अमेरिका कनाडा में जो जमात बसाई है, इसके पीछे बहुत बड़े भेद हैं, और ये तालिका के साथ कुछ संबंध है। ये 10-20 बरस में पता नहीं लगेगा, लेकिन बू आ रही है कि खाना पक रहा है, पका नहीं। जब ये टेबल पे आएगा तभी देखेंगे और खाएंगे। ए मोमिनो, फ्यूचर हमारे मौला ने जो देखा है वो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से बिरयानी पक रही है। हमारे फ्यूचर के लिए इमाम जमान दुनिया भर में स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें क्या बनना है और क्या लेना है वो इमाम जानता है। आज इस वक्त कनाडा की जमात के अंदर हर जगह हमारे जवानों के अंदर हाई ग्रेड की एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हर लिहाज से हर फील्ड के अंदर हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर 100-150 बच्चे, अमेरिका के अंदर भी, कनाडा के अंदर भी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी, वैंकूवर यूनिवर्सिटी, सिर्फ वैंकूवर में जहां मैं रहता हूं, हमारी लगभग 10,500 से 11,000 की बीसी के अंदर जो हमारी इस्माइली आबादी है, आज इस वक्त 19 बैंक हैं कि जिन बैंकों के अंदर इस्माइली लड़के लड़कियां मैनेजर हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी, गवर्नमेंट के बाहर भी। बड़ी बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज के अंदर हमारे बच्चों का बहुत बड़ा मान इज्जत है। सिटीजनशिप की जो कोर्ट है कि जहां जाके आदमी को कसम खानी पड़ती और जज के सामने उसको फिर ये सिटीजन का सर्टिफिकेट मिलता है, इस कोर्ट की जज एक इस्माइली है, एक इस्माइली है। हमारे बच्चों ने, हमारे जवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की की है। आइंदा और 25 बरस निकलेंगे तो कनाडा के इस्माइली कहां पहुंचेंगे उसकी खाम खा मैं अपने दिल को खुश करने के लिए कभी कभी बैठ के मैं एनविजेज किया करता हूं। मेरा दिल बहुत खुश होता है, मुझे पता लगता है कि कहां जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम जिस स्पीड से जा रहे हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नागपुर से निकलेंगे तो रायपुर पहुंचने तक हमें कितना टाइम लगेगा। इस तरह से इमाम ने जो हमें दौरवनी हिदायत वगैरह दी है, इसके अंदर रहो, हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, हमारी जमात का फ्यूचर बहुत अच्छा है, सिर्फ कनाडा में नहीं, इंडिया में, पाकिस्तान में, ईरान में, ताजिकिस्तान में, सारी दुनिया के अंदर इस्माइली आहिस्ता 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 जोर पकड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले 15, 25, 50 के 100 बरस के अंदर हमारा हाल क्या होगा मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो तमाम चीजें जो बन रही हैं पीरों ने हमारे गिनानों में भी कहा है। एक पाठ सुना, हजी दुनिया नो अंधारो दूर थसे, कैसी फ्यूचर की बात है, 500 वर्ष पुराना गिनान है। हे जी दुनिया नो अंधारो दूर थसे, अन्यथा से ते वरण अथर्वेद महे इम भाखिया सर्वे आवर।
बसे अली नबी ने शरण। दुनिया का अंधेरा दूर होगा, कौन सा अंधेरा? हम इसको जानते हैं कि ये कौन है, खुदा का नूर है, हमारा इमाम है, अली नबी की औलाद है, यही मालिक है और कोई नहीं। दुनिया को ये बात का पता नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा पता लगता है तो कबूल नहीं किए, लेकिन ये अंधेरा एक दिन दूर हो जाएगा, सारी दुनिया इसको पहचान जाएगी। है से एक वर्ण, एक कम्युनिटी, एक नेशन, एक ग्रुप बनेगा, ये सब डिफरेंसेस मिट जाएंगे। अथर्ववेद में, कुरान शरीफ को भी अथर्ववेद कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि सारी दुनिया अली नबी के चरणों में, उसके कदमों में आएगी। मैं आपको इसका ज्यादा विस्तार नहीं दे सकता, लेकिन एक मेरी वाज है कि वो वाज आप सुने और आज की वाज सुन के जो कभी उसके साथ उसका कनेक्शन करो तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। 1982 में अप्रैल महीने के अंदर शिकागो में मैंने 2 घंटे की एक वाज की है कि किस तरह हमारा इमाम अश्वारी करेगा, और जब ही मौला अश्वारी करेगा तो उसके सामने कौन होगा, उसके साथ कौन होगा, और फिर क्या उसका अंश। इमाम ने फरमान भेजा कि मेरे हर इस्माइली बच्चे, सॉरी है 1950 के अंदर, मगर फीसिबल हुआ 1960 में, कि मेरे हर बच्चे के पास खुद के रहने के मकान होने चाहिए। और इमाम के फरमान से हमारी जमात ने ये बीड़ा उठाया और मकान बनाने शुरू किए। क्या हुआ कि जब भी 10 बरस के बाद ये मकान मिले, बन गए और मकान तैयार हुए, बेचे भी गए, तो एक वक्त तो ऐसा हुआ कि घर के भाड़े देना बंद कर दिया, और जो हम किराया वगैरह देते थे या उसके अंदर मॉर्गेज की जो इंस्टॉलमेंट देते थे वो मकान की प्रॉपर्टी की मिलकत की कीमत को बढ़ा रही थी। इतने पैसे हमारे जमा होते थे, सब इस्माइली फैमिलीज लखपति बन गई। आज भी इस वक्त इमाम 2 बरस पहले जब आए तो इमाम ने फरमान किया कि मेरे हर बच्चे के पास खुद का मकान होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ हाउसिंग स्कीमें बनाई हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ ऐसे लोग अभी भी बाकी हैं कि जिनके पास मकान नहीं। तो कौम के लीडर इंशाल्लाह जरूर इस बाबत के अंदर कुछ मदद करके हर एक इस्माइली के पास रहने का मकान होना चाहिए। आदमी एक वक्त खाना खा के रह सकता है, लेकिन रहने के लिए मकान नहीं तो बाल बच्चों को लेके कहाँ जाए। ये एक इकोनॉमिक का उसूल है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि हमारे मौला ने दुनियावी हिदायत भी की है, दीनी हिदायत भी की है, और दीनी हिदायत के अंदर तो आप लोग जानते हो, रोज जमात खाने आओ, 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, और जिन्होंने बैतुल ख्याल का बोल लिया है मोमिनों सुबह आया करो। आपको इस बात का कभी ख्याल नहीं है कि हज़रत इमाम के साथ हमने प्रॉमिस किया है इबादत करने का, क्यों ऐसी गफलत करते हो? सुबह के अपनी रूहानियत को मजबूत करो, अपनी कम आमदनी में से इमाम का जो हक है माल वाजब दसवंत वो जरूर दो, और अपने अपने जो हालात हैं, अपनी मिजाज है, अपना टेंपर है, गुस्सा, ईर्ष्या, हसद, कीना, ये तमाम बदियां बुराइयां हम इस्माइलियों के लिए सूटेबल नहीं हैं, क्योंकि हमारा इमाम ऐसा नूर है, उसके हम रूहानी बच्चे हैं, हमारे अंदर ये बदियां रहने हैं वो अच्छी बात नहीं। हमारी जिंदगी क्लीन और साफ होनी चाहिए, आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना चाहिए, अपनी फैमिली लाइफ भी ठीक करो। मुझे कान पर बातें आई हैं कि बाज़ आदमियों की फैमिली लाइफ अच्छी नहीं, मियां बीवी का नहीं बनता। ए मोमिनों, ऐसा मत करो, इन झगड़ों से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये थोड़ी सी बीमारी कनाडा अमेरिका की जमात में खड़ी हुई है, हमारे यहाँ डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, और मैं इन जमातों को यही कहता रहता हूँ कि दुख उठा लो,
तोड़ो मत, दुख उठा लोगे, आज दर्द होता है कल बंद हो जाएगा, आज झगड़ा है कल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दोनों तरफ हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, हम जिसको कहते हैं कुव्वत बर्दाश्त, टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त कर लो, सहन कर लो, ताकि आपके बच्चों का भविष्य न बिगड़े। मियां बीवी लड़ते हैं, बीच में दुख में पड़ जाते हैं औलाद, औलाद डिसाइड नहीं कर सकती कि बाप की तरफ जाने या माँ की तरफ जाने। जब ही मियां बीवी लड़ते हैं तो औलाद दोनों में से एक को हेट करती है, बोलते नहीं, बोल सकते नहीं, लेकिन दिल के अंदर एक गांठ बन जाती है। अगर बाप जालिम है तो बाप के खिलाफ बच्चों के दिल के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, और अगर माँ की कुछ भूल है तो माँ के खिलाफ भी बच्चों के दिल के अंदर एक गांठ पिन लग जाती है और जिंदगी भर रहती है। छोटी उम्र के अंदर जो इम्प्रेशन पड़ते हैं वो जिंदगी में कभी मिटते नहीं। इन औलाद की खातिर भी अगर हम अपनी अपने टेम्पर को, अपने स्वभाव को अपने काबू में रख के सुख शांति से जिंदगी गुजार लेंगे तो कम से कम औलाद का तो भला होगा। औलाद की खातिर भी कम से कम सहन कर लो। और याद रखो, खुदा न करे अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो फ्यूचर क्या है, हो सकता है कि दूसरी औरत या दूसरा मर्द मिले, वो उससे भी खराब हो गए तो क्या फिर तोड़ोगे और हर दफा तोड़ते रहोगे? ये बात नहीं होनी चाहिए। औरत मर्द दोनों को यकसा तौर पर खुदा ने फर्ज दिए हैं। औरत बड़ी नहीं छोटी नहीं, मर्द बड़ा नहीं छोटा नहीं, लेकिन हाउस होल्ड मैनेज करने के लिए जिस तरह बिजनेस के अंदर एक मैनेजर होता है, इसी तरह से घर के अंदर भी एक मैनेजर है, और एक बाहर का एक अंदर का। अंदर की मैनेजमेंट औरत करे, बाहर की मैनेजमेंट मर्द करे, और इन दोनों के अंदर कभी क्लैश नहीं होना चाहिए। औरत को एक बात समझ लेनी चाहिए कि खुदा ताला ने उसको माँ के जो ख्यालात दिए हैं, माँ के जज्बात दिए हैं, माँ जैसे जज्बात कहीं भी नहीं। माँ की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत का सैंपल है। माँ जितना बर्दाश्त कर लेती है बाप इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ रहीम है, बख्श देने वाली है, बाप थोड़ा अक्खड़ है, लेकिन बाप की इस ताकत का भी दुनिया के अंदर काम है, उसकी भी जरूरत है। मर्द मर्द की जगह, औरत औरत की जगह, हिल मिलते रहो। और एक तो है कि दोनों में से किसी एक को, वो गुजराती में बोलते हैं कि नम तो छाबड़ो ड्यूनोज खपनो, यानी कि थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है अपने आप में समझ के, सोच के अपनी फैमिली लाइफ को सुखी बनाओ। घर के अंदर बरकत होगी, जिस घर में झगड़ा है वहां से बरकत उड़ जाती है, दुख लाचर से तकलीफें आ जाती हैं, मन के अंदर से शांति निकल जाती है, दिमाग हर वक्त परेशान रहता है, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है और इसमें कई बीमारियां पैदा होती हैं, खासतौर पर डिप्रेशन की बीमारी। हमारा मजहब बहुत अच्छा मजहब है, हमको दुनिया और दीन दोनों में सुख देना चाहता है, और सुख कब मिले कि जब हम हज़रत इमाम का फरमान मान के उसके अपनी जिंदगी गुजारे। हज़रत इमाम के फरमान में है कि मियां बीवी आपस में मोहब्बत से रहो, भाई भाई मोहब्बत से रहो, बहन बहन मोहब्बत से रहो। है क्या दुनिया के अंदर चार दिन की जिंदगी के अंदर? कोई आदमी बिगड़ जाता है तो मैं पूछता हूँ, कभी तुझको गुस्सा काहे का, कौन है तू गुस्सा करने वाला? इतना झगड़ा करना, गड़बड़ करना, गाली गलौज करना, मार धाड़ करना, चीजें तोड़ देना, ये तो पागल आदमी की निशानी है। और जिस आदमी का दिमाग ये है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो तो फिर इंसान की लेवल में से गिर जाता है। इंसान खुदा ताला की आला किस्म की क्रिएशन है। इंसान के अंदर खुदा ताला ने अपना नूर रखा है, इंसान को खुदा ने अक्ल दी है, इंसान को खुदा ने इल्म दिया है, इंसान को खुदा ने दौरवनी और हिदायत दी है, और अगर फिर भी इंसान
अपनी इन तमाम कदरों को समझता नहीं और वो अपने गुरूर के अंदर, मगरूरी में, अपनी हुपनी के अंदर, अपनी खुदगर्जी के अंदर रहता है, तो वो इंसान की लेवल से नीचे है। हमारे अंदर ऐसी भावना, ऐसे जज्बात पैदा होने चाहिए कि हम किसी के काम आ सकें। खुदगर्जी, ग्रीड यानी लालच और सेल्फिशपना, ये दो चीजें बहुत बुरी हैं। और खुदगर्जी किसको होती है कि जो मगरूर होता है, अभिमानी होता है, वो आदमी इंसान की लेवल में नहीं रहता, सिर्फ अपना ही देखना चाहता है, दूसरों का नहीं। उहद की लड़ाई हो रही थी, इस्लाम में ये सेकंड मेजर लड़ाई है, ये लड़ाई मुसलमानों ने जीत ली, लेकिन इमीडिएटली हथियार रख के जो भाग गए काफर, उनकी चीजें लूट मार शुरू कर दी। काफरों ने देखा मुसलमानों ने हथियार रख दिए हैं, पीछे से फिर के उन्होंने हमला किया, जीती हुई बाजी मुसलमान हार गए, बेहिसाब आदमी मारे गए। इस समय में, इस लड़ाई में, इवन बीबी आयशा रसूलुल्लाह की घरवाली, जो शलवार पहनी थी उसको ऊंचा करके घुटनों तक अपने पांचे ऊंचे करके, कमर बांध के, हाथ के अंदर जग और एक जाम पानी पिलाने के लिए, ऐसा बहुत सी औरतें जख्मियों को पानी पिलाती थी, और जख्म लगे होते हैं, इतनी बड़ी गर्मी है, तपश से बेहिसाब है, और पानी की प्यास जख्मी को ज्यादा लगती है। तो एक औरत हाथ में जाम और जग लेके घूम रही है, तो आवाज आई, पानी, फौरन उस तरफ भागी। जब नजदीक गई, जाम में पानी डाल के पिलाने के लिए बैठने की कोशिश की, तो बाजू में से आवाज आई, पानी। तो ये जख्मी जिसको ये पानी देना चाहती है, इसने हाथ किया कि मुझे मत पिला, पहले उसको पिला। देखो इसके अंदर सीखने की चीज है। तो ये कहती तू पहले पी ले, फिर मैं उधर दे जाती हूं। तो कहता नहीं, पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। तो ये जाम इसी तरह से लिए लिए उसके पास पहुंची, और ऐसा ही इरादा था कि तीसरे आदमी ने आवाज लगाई, पानी। तो उसने, सेकंड मैन ने ऐसा ही कहा कि पहले उसको पानी पिला, हो सकता मेरे से ज्यादा उसको जरूरत हो गई। इसने कहा भाई तू पी ले। कहता नहीं, पहले उसको पिला। अब जब ये वो तीसरे के पास पहुंची, वो गुजर चुका था, बहुत अफसोस हुआ कि पानी पिए बगैर गुजर गया। अब ये वापस आई कि सेकंड आदमी को पानी पिला, तो वो भी गुजर चुका था। अब ये वापस आई पहले के पास, उसको पानी पिला, वो भी गुजर चुका था। समझे आप इसमें से भावना? मौत के वक्त भी अपने से दूसरे को प्रेफर किया पानी पिलाने के लिए, जान दे दी, लेकिन दूसरे भाई से पहले पानी नहीं पिया। ये स्पिरिट थी इस्लाम के अंदर कि गिने चुने मुट्ठी भर मुसलमानों ने आधी दुनिया को अपने जेर किया। ये भावना हमारी इस्माइलियों की है कि हम अपने से दूसरे को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मुझे भूख लगी है और मैं खाना ले आया हूँ, सिर्फ एक रोटी है, और सामने दूसरा मेरा भाई भूखा बैठा है, होना तो ये चाहिए कि मैं उसको अपनी रोटी दे दूँ। अरे अगर सारी नहीं दे सकते, आधी तो दो। हमारे अंदर एक दूसरे का प्रेम, मोहब्बत, ये भावना कि हम उस किसी के काम आ सकें, अपनी जिंदगी को यूजफुल बनाओ। अरे ये मुर्गी हमारे से कितनी अच्छी, अपनी जान दे के हमारा पेट पालती है ना, और हम दूसरे की जान ले लेते हैं अपने पेट के लिए। हमारे अंदर ईर्ष्या, हसद, हमारे अंदर लालच, मोह, ममता, मैं, मेरा क्या, मेरा मेरा, इसके अंदर हम लोग अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। सेल्फिशपना, सेल्फिशपना, ग्रीड, मगरूरी,
ये वो बढ़िया बुराइयां हैं कि जो बड़ी बड़ी नेशंस को डबो डाली हैं। हमारी इस्माइली जमात के अंदर ऐसा हमारा मालिक, हमारा सेठ, हमारा माँ बाप, ऐसा हमारा मजहब है कि नबियों और पीरों फकीरों और फरिश्तों का दीन है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। इसके अंदर हजर इमाम से प्यार करो, हजर इमाम की ताबेदारी करो। हजर इमाम जो उगता हुआ सूरज है, आज उसका राज है, हजर जामे का धनी है, उसके फरमानों पे अमल करने से हम भी आबाद बनेंगे, हमारे भाई बहन भी आबाद बनेंगे। याद रखो दीनदारो, ये जो सेवा भावना का जो प्रिंसिपल हमारी जमात के अंदर है कि सिर्फ जमात की सेवा ही नहीं, एक दूसरे भाइयों की पर्सनल अंदर सेवा भी हम लोग करते हैं, सिर्फ हजर इमाम की नहीं लेकिन सारी जमात की, हम एक रूहानी फैमिली के तौर पे हैं और हम एक दूसरे का काम करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सेवा करें, इसके अंदर खुदा राजी होता है और खिदमत जो है उसका दर्जा इबादत के बराबर है। मौला आपको सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, फरमान बरदार मोमिन बना ले, हकीकती समझ देवे, दस्तो सुकृत में पूरा रखे, आफते बलाएं दूर करे, आपकी तमाम नेक उम्मीदें पूरी करिए, दीन दुनिया की नियामतें देवे, बरकत देवे, खुशियां देवे। मौलाना हजर इमाम आपके कार रोजगार में बरकत देवे, मौला आपके रोजी रोजगार को ज्यादा करे, घर में और जमातों के अंदर इत्तेफाक को मोहब्बत देवे। मौलाना हजर इमाम आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आपको तंदुरुस्ती देवे, तमाम किस्म की बलाएं आफतें दूर रखे। मौलाना हजर इमाम हमेशा आपको, आपकी आल औलाद को, दुनिया भर की जमात को अपनी पनाह में, छत्र छाया में रखे। सुखी आबाद रहो, जिंदा रहो। दो दिन आपकी खिदमत में रहा, इंशाल्लाह मैं अभी एक आध घंटे में मैं जा रहा हूँ। आपकी खुशियाँ, आपका प्रेम भाव मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं साथ ले जाता हूँ। 6 बरस पहले भी मैं आया था तो नाटक